बांदा जनपद के बबेरू कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में एक 25 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर पुलिया के पास शव फेंक दिया गया। जैसे ही परिजनों और ग्रामीणों ने शव को देखा तो क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भैया क्या नाम है आपका? ब्रजलाल यादव लोहारी। कहाँ रहते हैं? लोहारी। अच्छा, किस प्रकार की घटना हुई आज? ये घटना सर, ये दवा कराने जा रहे थे, यहाँ से घर से निकल गए थे, तो मतलब यहाँ आगे कलहनावा गांव पड़ता है, तो वहाँ मतलब एक चाचा इनका था, तो वो आगे निकल गया था। पिताजी और ये लड़का समरजीत दोनों मतलब इसी गांव में गुटखा पान करने लगे थे, तो मतलब समरजीत भी निकल गया, पिताजी रह गए पीछे। समरजीत जब निकल गया तो वो बीच में न चाचा के पास पहुंचा न पिताजी। जब इधर से पहुंच गए, पूछा से चाचा से मतलब कहाँ है लड़का, बोले कि यहाँ नहीं है। जब जंगल में ये दूसरे मतलब आने जाने लगे, ढूंढ खोज किया, तो खोज जब किया तो इनको आवाज आई जंगल से, तो भी ये जब दोनों आदमी वहां जाके देखा, उसके बीच उसकी लाश मिली। शक इनका ये बताया, घर वाले बता रहे हैं कि 10 दिन पहले इनका विवाद हुआ था, किसी से मारपीट हो गई थी, मतलब कलहनावा गांव से। तो उन्हीं लोगों का ये बता रहे हैं कि संता और इनके मतलब जो लड़के हैं, तीन लड़के, उन्हीं को बता रहे हैं कि उन्होंने मतलब मार के फेंक दिया है। विवाद कोई जानवर पीछे हुआ था। कुछ पुलिस ने कार्रवाई की थी? पुलिस कार्रवाई मतलब यही बता रहे थे कि मतलब हुई है कार्रवाई। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रमेश कुमार यादव जी। मृतक कौन है आपका? मृतक है समरजीत। क्या नाम है उसका, मृतक का? समरजीत। अच्छा, क्या घटना हो गई है? घटना इसको कोई कुल्हाड़ा या फरसा से काट डाला है। कहाँ जा रहे थे ये लोग? ये लोग दवा कराने जा रहे थे। इसका चाचा था और इसके पिताजी थे, तो चाचा पहले आगे निकल गए, अब पिताजी यहाँ गुटखा पान करने लगे। ये भी जब निकला तो चाचा बहुत दूर निकल गए, जब ये बाहर पीछे रह गया तो जब बीच में पहुंचा तब इसको लोग खींच ले गए हैं। जब पिताजी पहुंचे तब अपने भाई से पूछते हैं, छोटे वाले से, कि कहाँ गया, तब ये लोग छानबीन करने लगे। जब देखे तो वहाँ जंगल में लाश पड़ी थी। ये फरसा से किए हैं। फरसा से किए हैं। मौके पर कुछ मिला है? मौके में एक चक्कू पड़ा था बस, साफी में लपेटा हुआ। किसी पर शक है आपको? हाँ शक है। किस पर? संता यादव था, उसके तीन लड़के थे। क्या क्या कुछ विवाद था? विवाद इनका ये था, पहले इनके खेत में जो है बकरी और गाय चराते थे वो लोग, ये लोग मना किए हैं, तो उनकी रंजिश हो गई। थाने में भी ये लोग धमकी देकर आए थे सेमोन इंचार्ज के सामने कि हम तुमको याद देख लेंगे, मार डालेंगे, बोल या काट डालेंगे साले तुमको। तो फिर क्या कुछ कार्रवाई पुलिस ने की? अगर ये कार्रवाई पहले से पुलिस सचेत हो जाती तो ये काम होने ही नहीं था। तो इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं? लापरवाही शासन की है, पुलिस की लापरवाही, चौकी पुलिस की। भैया क्या नाम है आपका? धन्यवाद। कहाँ रहते हैं? रदौली में। अच्छा, किस प्रकार की घटना हो गई? मृतक कौन है आपका? दो भतीजा है सर। क्या नाम था उसका? समरजीत। अब यहाँ से जब गए दो तीन, साथ में चाचा था, पिताजी था, तो वहाँ दवाई कराने लिवा जाते थे, बुखार आई थी, बस एक दिन आए दवा कराने रहे थे। कहाँ लिवा जाते थे? तिंदवारी जी। तो वहाँ बीच में सीढ़ी खाने लगे, दुकान में रह गए पीछे, वो आगे निकल गया लड़का। बीच ने मैं देखा तो घटना हो गई, जब यहाँ वहाँ देखा कि कोई देखने लगे कि लड़का किधर गया, कलहना हो गया, बताया कि इधर नहीं आया, तो वहाँ खोजने लगे सब, तो वहाँ पे मारा पड़ा था, इतने पता हुआ। किस जगह मारा पड़ा था? वो जंगल में नाले में। अच्छा, कहीं से वार किया गया था? अब ये फरसा थी साहब, चाकू थोड़ा सा पटा पड़ा है वहाँ, इतना चाकू। कितने लोग? ये वहाँ चाचा था एक, पिता साथ में, और बिटिया थी छोटी सी। विवाद यही था साहब, जो खपरी में मार दिया। ये करीब आज दिन में करीब 11 12 बजे के आसपास एक डायल 112 पे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक कलेनुआ गांव मजरा अनौसा के पास में गडरा नाला है, उसके पास में ही जो है एक व्यक्ति जिसका नाम राम नरेश है, जो रहने वाला रंगौली का है, उसका गला कटा हुआ है। और ये जो सूचना देने वाले ने यह बताया कि ये व्यक्ति ने अपना खुद ही गला काट करके आत्महत्या कर लिया है। इस सूचना पर जो है तत्काल वहाँ मौके पर पीआरबी और स्थानीय पुलिस वहाँ पहुँची और मौके पर छानबीन की। छानबीन से यह पाया गया कि जो है ये मृत्यु जो है संदिग्ध परिस्थितियों में प्रतीत हो रही है और इसकी गहराई से छानबीन की जा रही है। परिजनों से इस घटना के बारे में तहरीर ली जा रही है, तहरीर ले करके इसमें अभियोग पंजीकृत किया जाएगा तथा
उसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए जो है उसको भेज दिया गया है। मौके पर जो है शांति व्यवस्था बनी हुई है। जैसे ही तहरीर प्राप्त हो जाएगी अभियोग पंजीकृत करके इसमें तदनुसार जो है पूरी तहकीकात करके इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।